कि जामा मस्जिद ढकिया पीरों के इमाम साहब की तस्वीर होगी, जामा मस्जिद अंसारियान ढकिया जट के इमाम साहब की तस्वीर होगी और दुआ मौलाना शफी साहब कहलाएंगे। ये मीटिंग में तय हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तयशुदा प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये दे ये बाढ़ दो लोग सबको बाढ़ ये थोड़ा सा हम इसके बारे में बता रहे हैं ये पर आप तक पहुँचेंगे। आप इसको पढ़िएगा। ये हमारे कलवा नेता जी ने माशाअल्लाह जुलूस मिलाद-उन-नबी के लिए 5,000 रुपए इनायत किए हैं। अब फरमाए अब देखिए यहाँ पैसों का ऐलान तो नहीं होगा। अपने हम तयशुदा प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। ये देखिए जुलूस किसका है के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा फरमाया। बल्कि मुसलमानों का तो अकीदा ये है कि अपनी रबूबियत है वो रसूल रहमत जी की वजह से फरमाया। ये मुसलमानों का अकीदा है। कौन रसूल रहमत? ये वो रसूल रहमत है जिसने हुकूक इंसानी का चार्टर पूरी दुनिया को अता किया है। वो रसूल रहमत जिसने भाईचारे को जिंदा किया। आज उस रसूल रहमत का जुलूस है जिसने दौरे जाहिलियत में जिंदा दफन करके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और रसूल रहमत ने अपना आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा जो पेश किया है वो दुनिया इंसानियत के लिए ऐसा संविधान है अगर उस पे चल करके सारे मुल्क दुनिया के अगर उस पर चलते हैं इसको खोल करके रखना। ये अब जो जुलूस आ रहा है अपना माइक बंद कर ले तो बेहतर होगा। माइक बंद कर ले जुलूस वाले। जी 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 देखिए खुतबा हज्जतुल वदा हम तो चाहते हैं कि कोई खुतबा ना हो के हुकूक को रसूल रहमत ने उजागर किया है। ये माइक बंद करवा लें। कहा था कि ये खुतबा हज्जतुल वदा है। आप इसको ये जब देख रहे हैं इसको देखिए। इससे पहले जो तमीद है मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आज हम वादा करेंगे संकल्प लेंगे कि रसूल रहमत ने जो अपना आखिरी खुतबा पेश किया था और ये वो खुतबा है जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। ये कुरान करीम का निचोड़ है। आज इस पे इंशाअल्लाह ये खुतबा हज्जतुल वदा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विदाई अभिभाषण आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। रिकॉर्ड हो रहा ना? अब क्योंकि ये पूरी दुनिया में जाएगा पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि रसूल रहमत ने जो आखिर पूरे देश को संविधान दिया था आज इस संविधान को अपनाने की जरूरत है और इसी से पूरे देश में और पूरी दुनिया में अमन शांति आएगी। इसके अलावा अमन शांति नहीं आ सकती। इसलिए मैं तमीज पढ़ करके सुना रहा हूँ। जिन जिन हजरात के पास ये पर्चा पहुंच चुका है वो देखें। सबको जी निकाल करके लोग आ जाते थे और इसी तरह खड़े हो जाते थे। जल्दी जल्दी होती थी कि दुआ करो और किताब करो। तो ऐसे करके जो एक बेसुकूनी और बेचैनी का सा माहौल होता था क्या था उसका पैगाम आज पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए। इसलिए उसका पैगाम बुझाने के लिए आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये सबके सामने अपने वाले भी ना तो मैं अर्ज कर रहा था पहले बेसुकूनी का सा माहौल हो जाता था। अपना वाला शामियाना लगाया गया है। कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। क्या ये अच्छा लग रहा है? जी अच्छा ये अच्छा इंशाल्लाह। ये तो आज शुरुआत है। अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले सालों में भी
और बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और इस दिन को ऐसा यादगार बनाया जाएगा इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से देश में अमन शांति का माहौल भी कायम किया जाएगा। मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, जिन जिन भाई के पास ये पहुँच चुका है, शिक्षाओं का सार है। अगर कोई इस्लाम का परिचय चाहता है तो उसके लिए इस भाषा का अध्ययन पर्याप्त है। अगर कोई इस्लाम की व्याख्या चाहता है तो उसके लिए ये भाषा मार्गदर्शक है। और सबसे बढ़कर ये है कि ये भाषण मानव अधिकारों का वैश्विक संविधान और ह्यूमन चार्टर की हैसियत रखता है। आज पश्चिम का दावा है, मगरबी तहजीब का दावा है, अंग्रेजों का दावा है कि वही मानव अधिकार के वास्तविक वाहक हैं। काश उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का अध्ययन किया होता और हज्जतुल विदा के भाषण पर विचार किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि आज से 1400 साल दयालुता के प्रतीक संदेश का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव अधिकार का। आज दुनिया मानव अधिकार की बात करती है, जबकि बिना किसी अपराध के, बिना किसी जंग के, बिना किसी अपराध के लाखों इंसानों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। खून की नदियां बहाई जा रही हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं। महिलाओं के अधिकार की भी बात की जाती है, हालांकि अधिकार के नाम पर महिलाओं को नंगा कर दिया गया है और मिनटों मिनटों में उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनका यौन शोषण और बलात्कार हो रहा है। कहाँ है मानव अधिकार, कहाँ है महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले? अब आइए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाषण पर विचार करते हैं। इस भाषण में आपने मूल रूप से जिन विषयों पर चर्चा की वे हैं रंग और वंश तथा जातिवाद का सम्मान, अज्ञानता, काल के रीति रिवाजों को खत्म करना, अमानत की चेतावे से चेतावनी, महिलाओं के साथ सद्व्यवहार, अच्छा रवैया और कुरान और सुन्नत को थामे रहने का आदेश। आइए इस भाषण पर एक एक करके ये थी, लोगों मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि आगामी कभी हम ऐसी किसी सभा में एकत्र हो सकेंगे, अर्थात संभव है कि इस साल के बाद हज न कर सकूं। इसमें आपने लोगों को एहसास दिलाया कि संभव है कि ये मेरा अंतिम भाषण हो। अब इसके बाद इतनी बड़ी सभा को संबोधित करने का ना और विचार करना, ये रसूल रहमत ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया। मेरी सभी मुस्लिम, ये अब हमारी राय है, मेरी सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि इसे ज़रूर पढ़ें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए, यही मेन पॉइंट्स थे। अब हम इस पे पहुंच चुके हैं, अब सारे लोग नियत कर लें कि अब आज के बाद से हम किसी चार्टर के मुताबिक जो बिंदु आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अब मैं जैसे पढ़ूंगा इन बिंदुओं को, तो जिनके पास पर्चे हैं वो मेरे साथ साथ दोहराते भी चले, ताकि अंदर भी उनका मन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि आज के बाद हम वही इंसान बनेंगे जिसकी इच्छा और चाहत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। देखिए नंबर एक, प्यारे भाइयों मैं जो कुछ कहूँ ध्यान से सुनो। हे इंसानों, ये रसूल रहमत का खुतबा शुरू हो रहा है, तुम्हारा रब एक है, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान मान और इज्जत का ख्याल रखना, न तुम लोगों पर जुल्म करो, न कयामत में तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा, कोई अमानत रखे तो उसमें खयानत न हो, या हमारे साथ गुलाम से उन नौकरों को समझ रहे, तुम्हारे गुलाम जो कुछ खुद खाओ वही अपने गुलामों को खिलाओ, यानी कि नौकरों को खिलाओ, और जो खुद पहनो नीचे हैं। इस्लाम आने से पहले के तमाम खून खत्म कर दिए गए, अब किसी को किसी से पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं,
और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून रबिया इब्ने हारिस का खून खत्म करता हूँ, यानी उनके कातिलों को क्षमा करता हूँ। अज्ञान का काल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करूंगा करता हूँ। और तो आज कोई नबी ईश्वर का संदेश वाहक नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कि समुदाय नहीं। अपने रब की इबादत करना, प्रतिदिन पांचों वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों का आज्ञा पालन करना, खबरदार मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। जिस किसी के पास अमानत हो कि ही तुम्हारा अमीर बना दिया जाए और वो किताबुल्लाह के अहकाम के मुताबिक तुम्हारी कयादत करे तो तुम उसको सुनो और उसकी इताअत करो। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस शहर में अब कभी उसकी इबादत की जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ऐसे आमाल में जिनको तुम कम अहम समझते हो उसकी बात मान ली जाएगी, इस पर भी वो खुश रहेगा। बस तुम उससे अपने दीन को बचा कर रखना, बस अपने रब की इबादत करो। ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल होगे। हे लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी जब रसूल रहमत ने आखिरी अल्फाज कहा, हे अल्लाह के रसूल। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार कहा, हे अल्लाह तू गवाह रहना, हे अल्लाह तू गवाह रहना, हे अल्लाह। ये आखिरी आयत उतरी, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत कृपा पूरी कर दी। ये रसूल रहमत का आखिरी खुतबा आना चाहिए और इंशाल्लाह आज हम वादा करते हैं शुरू में ना तुम लोगों पर जुल्म करो ना कयामत में तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा। इसकी वजह क्या है? वही है कि जब हम यहाँ लोगों के साथ रहमदिली से पेश आएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो मामला है वो रहमत के साथ ही रहेगा। शायद सी बात है, वो सब कुछ पता है। जैसा यहाँ करोगे वैसा वहाँ बदला हमें मिलना है। अच्छा करोगे तो वहाँ अच्छा बदला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा बदला मिलेगा। बहरहाल ये रसूल रहमत का खुतबा हमने आपको पढ़ करके सुनाया है। इसे हो सके तो अपने घर में इसको फ्रेम बना करके रखिएगा कि आज जो हमने वादा किया है दिल ही दिल में कि जब जब आपकी घर पे नजर पड़े इस पर तो आपको ये वादा किया हुआ याद आ जाए और आपकी जिंदगी फिर से इसी के मुताबिक चलनी शुरू हो जाए। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि इसको हो सके तो फोटो कॉपी करके दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा, करना यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा आप फोटो कॉपी करके दूसरों तक पहुंचाएं ये संदेश, ताकि उन्हें पढ़े। क्योंकि ऐसा होता है, दूसरा हमसे ज्यादा समझने वाला और अमल करने वाला हो सकता है, उस तक ये पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी का इसके जरिए नक्शा बदलता चला जाए। अब आइए हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जामा मस्जिद अंसारियान के इमाम साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साफिक साहब कुबला नईमी, इस्लामिक और पीएचडी स्कॉलर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत दाइश पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाकर ममनून और मशहूर फरमाएं।